ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 अप्रैल 1994 को सुनाए थे। 94 के सीजन की अव्यक्त अंतिम मुलाकात थी। उसमें बाबा ने विशेष बच्चों को होमवर्क भी दिया है और साथ ही साथ स्नेह के सागर बाप दादा अपने बच्चों को स्नेह की भुजाओं में समाते हुए बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि अपने आप को परिवर्तन करें, चेंज करें, टर्न करें। यही बाप दादा के स्नेह का रिटर्न है। बाप दादा आज स्नेह शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं और बाबा सभी बच्चों को, चाहे आकारी स्वरूप से या साकार स्वरूप से जो सन्मुख है, उन सभी को अपने स्नेह की भुजाओं में समा रहे हैं। बाबा कहे ये स्नेह की भुजा एक ऐसी उड़ान है जो सभी बच्चों को हर प्रकार की परिस्थिति को क्रॉस करने की हिम्मत देती है। और जब बाप दादा उनको देखते हैं तो बाबा यही देखते हैं कि स्नेह में सभी बच्चे पास है। बाबा कहे पास है तभी तो पास आते हैं। एक है पास होना, दूसरा है पास रहना और तीसरा है हर परिस्थिति को पास करना। तो स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है कि सदा बाप के पास रहना और हर परिस्थिति को सहज ही पास करना, तभी बाबा कहे पास हो जाते हैं। जो सहज तरीके से पास रहते हैं और हर परिस्थिति को सहज रूप से पास कर देते हैं, वो सदैव पास होते ही है, या ये कहे पास हुए ही पड़े हैं। फिर बाबा ने विशेष हर बच्चों को देखा कि सभी बच्चे बाबा के नैनों में समाए हुए हैं, ये बाप दादा के दिल तख्त पर है। साथ ही साथ बाबा कहे आप तो कहते हैं ये सीजन का अंत है, लेकिन बाबा देखते हैं कि अंत नहीं, ये आदि है। किस बात की आदि? तो तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरने की आदि है। और उस रूप में जब बाबा देखते हैं तो बाबा चाहते हैं कि अभी कोई भी प्रकार की बातें न बनाए। बाबा कहे भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में अनेक बातें बनाई और इतनी कथाएं बना दी, लेकिन अब बच्चे कोई भी बातें न बनाए, सहज पुरुषार्थ की तीव्र गति में आगे बढ़े और हर बात को क्रॉस करते हुए नंबर वन बन जाए, यही बाप दादा चाहते हैं। ऐसे नंबर वन बने जो अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा दे कि नंबर वन बनना है। और उस नंबर वन को बाबा ने टाइटल दिया अर्जुन बनना। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, नंबर वन आत्मा। हमेशा ये ध्यान रखे जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, तो ऐसे नंबर वन अर्जुन बनने की बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न, परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूरत बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। उन सभी बच्चों को, चाहे सन्मुख है चाहे आकारी रूप में हाजिर है, उन सब बच्चों को बाबा अपने स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है
चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं, कैसे, जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी है, लेकिन स्नेह में सभी बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह ऐसी चीज है जो तन से, मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। यह है स्नेह की प्रैक्टिकल प्रूफ। ज्ञान योग धारणा, उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर वन अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को क्या करती है? स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे, है तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही, लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विथ ऑनर है, कोई पास है। पास है ना? डबल विदेशी भारत वाले सब पास है? पास नहीं होते तो पास नहीं आते। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है। पास बाबा के रहना आनंद ही आनंद है। और पास करना, हर परिस्थिति को पास करना, इसमें नंबर वार है या नंबर वन है? देखो, नंबर वन नहीं कहते हैं। सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। हाँ, तो तीनों पास सहज हो जाएंगे। जो सहज पास रहते हैं, और जब पास करना सहज हो जाता है तो बाबा कहे पास हुए ही पड़े हैं। तो ये पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है, इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना। कहाँ हो? नजदीक से नजदीक है दिल तख्त पर। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नजदीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। तो इस वर्ष क्या करेंगे? अब वर्ष के लिए बाबा होमवर्क दे रहे हैं। कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है।
आदि मध्य की याद दिलाता है, अंत आदि की याद दिलाते और आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं लेकिन आदि है। किस बात की आदि? तो बाबा कहे तीव्र गति के उड़ान की आदि है। तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है आत्मा की रफ्तार? कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति है। साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इतनी तीव्र गति है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। ये होमवर्क बाबा ने दिया सबसे पहला, कि आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। किन किन बातों में? चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी, तीव्र किसको कहा जाता है? तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ। इतनी फास्ट गति हो। कई बार कई लोग सोचते हैं कि असंभव है, लेकिन बाबा मिसाल देते हैं, व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो कितना फास्ट चलता है। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, उल्टा संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया और अभी अभी कर भी लिया। संकल्प बोल कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है व्यर्थ में, उल्टे में। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश कितना फास्ट होता है, क्या करता है? एक तो संकल्प बोल कर्म ब्राह्मण जीवन की मर्यादा महानता सबको समाप्त कर देता है। इसी तरह बाबा कहे व्यर्थ का जोश सत्यता का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदल कर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष ये होमवर्क बाबा देते हैं। दूसरा, इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सत्युगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी। सत्युग में किसी को न माया का ज्ञान है न व्यर्थ का ज्ञान है, तो व्यर्थ और माया से इनोसेंट थी। इसीलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट।
जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो क्या होगा, दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है, तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। अब ये गति चाहिए। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो, एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज, अभी मेहनत को किनारा करो। बाबा कहे अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसीलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। बाबा कहे जब बाप का सहारा नहीं है तो क्या होता है, हद के किनारों को सहारा बना देते हो, चाहे अपने स्वभाव संस्कार को उसको सहारा बना देते, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावे मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी है। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, यह है होमवर्क। लेकिन क्या करो, बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देते हैं जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हैं। बाबा कहे स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान भरो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है, रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने,
अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो। सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स, दुनिया में इस समय रिद्धि सिद्धि का फोर्स, और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए। विधि से सिद्धि को प्राप्त करना ये सदाकाल का अनुभव कराता। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, दे अभिमान वाला नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे देख और करेंगे, तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अवल नंबर अर्थात अर्जुन अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? पूछते बाबा। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं, अर्जुन वाले ग्रुप में आना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करे, हो जाता है, सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती है, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। एक दो मास चाहिए व एक वर्ष चाहिए, जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य भी मिलता है, अर्जुन बनने का, निमित्त बनने का पदम गुना पुण्य भी मिलता है और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। दादी दीदी की जिम्मेदारी भी इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ, यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है, ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, एक सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प एक सेकंड में कितने होते हैं? 100 पैदा हो जाते हैं। और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावना की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं।
शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। तो ये भी एक होमवर्क, शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या नहीं कर सकती है, ये अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। क्या क्या होगा इसकी भी बाबा चेतावनी दे देते हैं कि पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, कि तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो, व्यर्थ के रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, इतनी दृढ़ता हो जो सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही ये नहीं सोचो कि होता तो है ही नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, कितना जोश बाबा भरता है, उमंग भरता है, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन, स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना, यह भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। बाबा हमारा स्नेही क्या देखना चाहता है? स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दो। सभी एक बात जरूर बाबा से कहते कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दे, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो। तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास है, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? इस साल बाबा रिटर्न चाहते हैं। बाप दादा रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। यह तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना।
स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो? बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो? स्नेह में सब सेंट परसेंट हो या परसेंटेज है? अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो? स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है? भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? स्नेह में क्या कर सकते हो, ये बाबा पूछते हैं। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे? चलो पांच नहीं छठा दिखाते हैं ना, बेसमझी का वो रखेंगे। हाँ, बाबा कहे कोई भी सिर रखना नहीं है, बस स्नेह में स्वयं को टर्न कर देना है, परिवर्तन कर देना है। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को सदा A1 के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। हाँ, ब्रह्मा माँ के बच्चों से विशेष स्नेह है और उस स्नेह के कारण क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से बच्चों का आवाहन वतन में करते हैं और शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ साकार में जब थे तो घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, उस घी को हजम करने के लिए एक्सरसाइज कराते थे। ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। आज का स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस।